अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक? आज हम लोग आए नासिक के एक गाँव में जिसका नाम है डसाना, और माशाल्लाह पपैये की खेती है, सीताफल है, सोयाबीन है, बरसिन भी उगाए हुए, और एक है गोट फार्मर, उनके पास भी विज़िट करने के लिए आए हैं और उनका बकरों का शौक भी बताएंगे इंशाल्लाह। पूरी वीडियो एंड तक देखो। मेरे बोलने का मकसद है, हम लोग एक प्रॉपर काम कर रहे हैं कि न्यू गोट फार्मर है, उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना दूर तक आना, मतलब बॉम्बे से ऑलमोस्ट 140 पटगा से हमारे फार्म से 140 किलोमीटर के दूरी पे है, और हम लोग यहाँ पर आए हैं डसाना में। इंशाल्लाह मिलते भी हैं उनसे, बात भी करते हैं, उनके पास कुछ चीज़ बेचने की भी है तो वो भी बताएंगे। शौक कर रहे हैं और एक्सपेंस क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब पूछेंगे। इतना आसान नहीं है जैसा वो हम लोगों की ऑफ कैमरा बात हो रही थी उनसे, तो वो जो भी है देखेंगे इंशाल्लाह। हालांकि उनकी खुद की खुराक बन रही है यहाँ पर, मतलब बकरों की खुराक है यहाँ पर। उनके पास मकई की खेती है, प्याज की खेती है, बरसीन उगा रहे हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी एक्सपेंस बढ़ता है बोलते हैं। तो चलो ऑन कैमरा उनसे बात करते हैं, आगे चलो। अभी अब हम लोग आए हुए खुशहाल भाई के बाड़े में, ऑलमोस्ट हम लोगों ने एक सीनरी देखे जो ये खेती करते हैं पूरी पपैये की, जो भी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बता दिया। इनके पास क्वालिटी गोट्स भी है जो सेल के लिए, ये हमारे खुशहाल भाई है, हेलो खुशहाल भाई, और ये उनके डैडी है। हाँ, तो ये प्रॉपरली हम लोग जानेंगे पहले क्या इनके पास बेचने के लिए क्या है चीज़, और फिर वीडियो है ना और लंबी चलेगी, लास्ट तक जाएगी, हो सकता है पार्ट वन पार्ट टू में मैं डालूँ, लेकिन पार्ट वन हम लोग बनाते हैं पहले इसके ऊपर क्या जो इनके पास बेचने के बकरे। तो ये बकरे सब बेचने के, कितने बकरे बेचने के? ये 15 बकरे हैं। 15 बकरे और सब सोजत ब्रीड है, मैक्सिमम मैक्सिमम सोजत ही है। वही पूरे बकरे बता देना एग्जैक्टली। एक ये है, हाँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में है ना नंबर डाल दूंगा खुशहाल भाई का, आप डायरेक्ट कॉल कर लो, और सेपरेट वीडियो मंगा सकते तो वीडियो ले लेना। ऑलमोस्ट कितने बकरे हैं अपने पास? ये 15 बकरे हैं। 15 बकरे बेचने का है, तो हम लोग रेट का डिस्कशन अभी नहीं करते हैं। रेट का डिस्कशन मैं नंबर डाल दूंगा, लोग कॉल करेंगे, सेपरेट सेपरेट वीडियो मांगेंगे तुम्हारे पास व्हाट्सएप पे, तो उनको वीडियो दे देना, डिटेल बता देना एग्जैक्टली। वजन का अंदाजा हो सकता है अप एंड डाउन हो जाएगा, काटा है अपने पास, काटा है तो वो तोल के भी बता देंगे, दांत है एग्जैक्टली बता देना, तोल के भी बता देना। मेरे हिसाब से ये ऑलमोस्ट जो सोजत ब्रीड के है, क्वालिटी गोट्स है इनके पास, और ये जो पालते हैं तो पालने में दिक्कत क्या आती है? बहुत मुश्किलें होती है, कई बार बीमार होते हैं बकरे, चारा मिलता नहीं है, चारा खिलाने के बाद। तुम्हारी तो खुद की खेती है? होता है, लेकिन फिर भी मजूर नहीं मिलता है, गांव में मजूर नहीं मिल रहा है कोई चारा। इतना खुशहाल भाई, इतना दाना देने के बाद में भी तुम, इतना चारा देने के बाद में भी तुम दाना डालते हो बकरे? दाना डालता हूँ। क्या डालते हो? मक्का डालता हूँ, मक्के डालते हो। तो मतलब ऐसा है क्या, लोग बोलते हैं क्या स्टॉल फीडिंग के ऊपर मैक्सिमम रिलायबल नहीं रह सकता है गोट्स, या मतलब उनको चराना जरूरी है, तो इनके पास ऑलमोस्ट हर चीज है जो चरने वाली चीज है, उसके बावजूद भी दाना डालना जरूरी है, क्योंकि ये इनके फीड में से एक पार्ट ऑफ फीड हो जाता है जो दाना है, तो वो डालना जरूरी है। इसके बाद में और क्या दिक्कत होती है? और तो वो मतलब लोग बहुत कम कीमत में बकरे मांगते हैं, अब उनको ये मेहनत नहीं दिखा रहे कितने हम मेहनत कर रहे हैं, अब इतना चारा कर रहे, मेरा 1.5-2.5 एकड़ मतलब जमीन गया है, उसमें बरसीन लगाया हूँ मैं, ये मक्का है, पर्सनली अभी इसका ये कटाई का अपने को पैसा देना पड़ता है, स्टोर करने के लिए इतना बड़ा शेड करना पड़ता है, आदमियों को पैसा देना पड़ता है, ऊपर से अगर 1-2 बकरा मर गया, बीमार हो गया, तो वो फिर उल्टा अपने को खर्चा आता है ना, ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो नॉर्मली
बीमारी का मतलब एक्सपेंस होता है हम लोगों का, बहुत 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 बीमारी का एक्सपेंस, ये पार्ट पार्ट ऑफ बिजनेस बीमारी का एक्सपेंस है, पार्ट ऑफ बिजनेस मोर्टेलिटी है, पार्ट ऑफ बिजनेस ये है कि वेट गेनिंग प्लस भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। इतना एक्सपेंस करने के बाद में भी अगर वजन नहीं मिलता है बंदों को, तो थोड़ा मतलब हम लोग किसान की साइड से सोच के देखते हैं क्या भाई, नहीं थोड़ा मायूस हो जाते हैं क्या रेट नहीं मिल रहा है। देखो कुशाल भाई, एक बोलूँगा कि पार्ट ऑफ बिजनेस ऐसा है कि हम लोग काम कर रहे हैं तो हर जगह पे कुछ लोग आके कम रेट लगाएंगे, कुछ लोग आके वाजिब रेट लगाएंगे जो लगता है वाजिब, तो हम लोग वो चीज़ के ऊपर है ना गौर नहीं करते। देखो जिसकी पॉकेट मनी है जितना, या जिसके पॉकेट में जितना मनी है, तो वो हिसाब से लगा सकता है, क्योंकि हर कोई ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता। तो कॉम्पिटिटिव ऐसा है कि हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्या नहीं लोग रेट नहीं लगा सकते, लोग लोगों के पास रहना भी चाहिए। और अभी दो साल में तो लोगों की पूरी वाट लग गई है, धज्जिया उड़ गई है कोरोना काल में सब, तो वो हम लोग देखते हुए ठीक है, मैं ये दुआ करूंगा कि आपके बकरे बिक जाए मैक्सिमम, इनके पास और भी गोट्स है जो मिक्स ब्रीड है, ये खुद ब्रीडिंग का भी काम करते हैं, ब्रीडिंग का भी आप करते हो, आपके पास कितनी बकरियां है एग्जैक्टली? बकरियां टोटल मतलब सारे मिला के 100 है, जिसमें कि ये 15 बकरे हैं, उसके बाद 15 है मतलब 40-45 फीमेल्स है टोटल, 40-45 फीमेल्स है, इनके पास बच्चे भी हुए हैं जो मिक्स ब्रीड है, वो भी बेचना है, वो भी अच्छे वाजिब रेट में देंगे खुशाल भाई, तो वो भी अपन बता दें खुशाल भाई। एक्चुअली ये हम लोगों की और खुशाल भाई की ईमानदारी है कि हम लोग इसको मिक्स ब्रीड बोल के दे रहे, वरना इसको क्वालिटी गोट्स बोल के भी देने वाले लोग बहुत है, वो बकरा है उसको मक्की चीना बोल के लोग बेचेंगे, फोटो वीडियो कलाकारी की होती है, अच्छी बताई जाती है, फिर बेचा जाता है क्या हाई रेट में। जब जानवर हम लोगों के पास पहुँचता है ना, तो देखने के बाद में मालूम पड़ता है कि भाई कितने में लिए, तो कुछ अलग रेट होता है, और वो रेट सुन के मैं भी शॉक हो जाता हूँ कि भाई ये तो वो टाइप का बकरा है ही नहीं जो मतलब आपने पैसा दे के गए। तो ये खुशाल भाई की और उनके डैडी की ईमानदारी है कि उन्होंने क्लियरली बता दिए कि ये मिक्स ब्रीड है, और मिक्स ब्रीड बोल के अपन देंगे इसको, और ये भी बकरे बेचने के, आप लोग खुशाल भाई को बिंदास कांटेक्ट करो और व्हाट्सएप पे मैसेज करो, अगर ये नहीं मैसेज का रिप्लाई देते तो मेरे को मैसेज करो, फिर मैं इनके कान खींचूंगा बराबर क्योंकि मेरे छोटे भाई जैसा है वो, और ऐसा है कि बहुत इज्जत करता है, और अभी से नहीं कई सालों से जानता है। तो हम लोगों की आज उनकी रिक्वेस्ट थी कि भाई हमारे गांव आओ, तो हम लोग आए यहाँ पर ट्रेवल किए, मकसद ये है कि किसी के मतलब शौक बताना है, शौक बढ़ाना है, ये बिकेगा तभी तो शौक बढ़ेगा और शौक आगे और बढ़ाना है, हम लोगों को एक लेवल तक सीमित नहीं रहना, तो ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों को शौक बढ़ाना है, हम लोग वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इनके भी माल बिक जाए, अच्छे रेट में बिक जाए मैं उम्मीद करता हूँ, और लोग भी अच्छा रेट लगाएंगे और अच्छी वीडियो, खुशाल भाई भी अच्छा रेट देंगे लोगों को, तो बहुत बहुत शुक्रिया खुशाल भाई, और अच्छे से अच्छा माल आपका बिके, और जो काम कर रहे हो आप, आपके पास बहुत सारी बकरियाँ भी है और बच्चे भी हुए हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग एक महीने के बाद में या दो महीने के बाद में वापिस ट्रिप मारेंगे, वापिस वीडियो बनाएंगे, कि तब तक पपैये भी पक्के तैयार हो जाएंगे, सीताफल भी आए हैं तो चलो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फरमा बरदार बनो, ज्यादा से ज्यादा झाड़ लगाओ, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया पॉल्यूशन फ्री इंडिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।